हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बी ट्री एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको सर्च ऑपरेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि आप बी ट्री पे परफॉर्म कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन को जाने से पहले आपको बी ट्री क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ बी ट्री क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को, यहाँ पे मैं उसका शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप देख लीजिए और फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आपको इस वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं मेरे चैनल का नाम दे रही हूँ टेक टॉक्स, यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक भी दे रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। बेल को रिंगिंग रखिए क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्च ऑपरेशन। सर्च क्या होता है? सर्चिंग मतलब एखादा एलिमेंट हमें ट्री में सर्च करना है तो उसके लिए हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सर्च ऑपरेशन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ट्री के लिए बिग ओ लॉग एन है। बिग ओ लॉग एन जो कि बाइनरी सर्च ट्री की भी कॉम्प्लेक्सिटी है, वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ट्री की भी है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बाइनरी सर्च ट्री का सर्च ऑपरेशन और बी ट्री का सर्च ऑपरेशन, उसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च ट्री के सर्च ऑपरेशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैं बी ट्री के सर्च ऑपरेशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, तो बाइनरी सर्च ट्री में हम सर्चिंग रूट नोड के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले तो रूट नोड देखते हैं कि कंपेरिजन करने के लिए रूट नोड से हम स्टार्ट करते हैं। क्या यही बात हम बी ट्री में भी करते हैं? तो हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सेम है कि हम रूट नोड से ही सर्चिंग यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। बी ट्री में भी सर्चिंग हम रूट नोड से ही स्टार्ट करते हैं। अभी चलो अगला वाला पॉइंट देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं। तो अभी अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री में हर एक नोड को कंपेयर करने के बाद अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें टू वे डिसीजन लेना है, क्या हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है या राइट सब ट्री में जाना है। क्योंकि ये टू वे डिसीजन हमें यहाँ पे क्यों लेना है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। पर ये बी ट्री है, बी ट्री इज एम वे बाइनरी, एम वे सर्च ट्री, इट्स नॉट अ बाइनरी ट्री। एम वे मतलब एम ऑर्डर, मतलब एम नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसके होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे एम वे डिसीजन हमें लेना होता है क्योंकि अगर हमारे पास m नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो m टाइम्स हमें कंपेयर करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए कि हमें कौन से चाइल्ड की तरफ जाना है। तो ये वाला मेन डिफरेंस है। यहाँ पे टू वे डिसीजन है क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, यहाँ पे m वे डिसीजन है बिकॉज ये m ऑर्डर्ड बी ट्री है। अगला वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे ही बोला था कि दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, डिफरेंस ये है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, बी ट्री में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है फिर भी उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ लॉग एन ही है, जो कि इसका एडवांटेज है, बेनिफिट है कि ह्यूज डेटा होने पर भी बी ट्री का सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको वही टाइम लगता है जो कि बाइनरी सर्च ट्री को लगता है। तो चलो हम यहाँ पे, मुझे आपको ये चीज नोटिस करके देनी है कि मेन डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है वो टू वे डिसीजन होता है बाइनरी सर्च ट्री में, और बी ट्री में ये एम वे डिसीजन होता है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो आगे जाके हम देखते हैं कि सर्चिंग
इन बी ट्री कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिदम अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, तो हमें रीड करना है डेटा फ्रॉम यूजर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च की। जो हमें की सर्च करनी है वो हमें सबसे पहले यूजर से रीड करनी है। उसके बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कंपैरिजन। कहाँ से शुरू करते हैं, रूट नोड से। तो जो की हमने अभी इनपुट ली है यूजर से वो हम रूट की नोड की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे फर्स्ट की के साथ, क्योंकि m वे ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री है तो रूट में इट मे पॉसिबल कि मोर देन वन की अवेलेबल है। तो हमें पहले की से स्टार्ट करना है और वो कंपेयर करना है। कंपैरिजन के बाद तीन रिजल्ट्स अगर आपको मिलते हैं, सबसे पहला है अगर ये मैच कर रहा है, अगर ये रूट के साथ ही मैच कर रहा है तो हम बोल देंगे कि सर्च इज सक्सेसफुल और हम एग्जिट हो जाएंगे। ये हो गया मेरा पहला रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। दूसरा क्या रिजल्ट होता है कंपैरिजन का, वो स्टेप फोर में मैंने बताया है कि बाकी के दो कौन से रिजल्ट होते हैं। तो आइदर ये तो स्मॉल हो सकता है की वैल्यू, और की वैल्यू ग्रेटर हो सकता है जिसके साथ अभी मैंने कंपेयर किया है। तो ये हो गए तीन रिजल्ट। अगर इक्वल है, मैच कर रहे हैं, तो हमें एग्जिट हो जाना है। अगर स्मॉलर है तो हमें क्या करना है, और ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, वो हम स्टेप फाइव एंड सिक्स में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फाइव देखते हैं, जो कि है अगर हमारा सर्च की स्मॉलर है करंट की वैल्यू से जो कि हमारे रूट में अभी प्रेजेंट है। तो अगर वो स्मॉलर है तो हमें क्या करना है, हमें उसके लेफ्ट सब ट्री में जाना है। उसके लेफ्ट सब ट्री में जाके हमें अगला वाला स्टेप फिर से कंपैरिजन से हमें स्टार्ट करना है। फिर से हमें कंपेयर करना है, अगर वो इक्वल है तो हम उसको वहां पे सर्च सक्सेसफुल बोल के एग्जिट हो जाएंगे। नहीं, अगर इक्वल है तो फिर से देखेंगे स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है तो फिर से उसके लेफ्ट सब ट्री में हम मूव हो जाएंगे। तो ये हमारा रिपीट चलेगा अगर हमारा सर्च की एलिमेंट स्मॉलर है उसके करंट वैल्यू, करंट की एलिमेंट से जिसके साथ अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया स्मॉलर। अगर हमारा ग्रेटर है, अगर ये हमारा ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, लार्जर है तो हमें क्या करना है, अगर हमारा लार्जर है तो हमें क्या देखना है, हमें अगले वाले नेक्स्ट की के साथ हमें कंपेयर करना है। किसके साथ, नेक्स्ट की के साथ, क्योंकि m ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री में, सॉरी b ट्री में हमें m माइनस वन नंबर ऑफ कीज मैक्सिमम हर एक नोड में रहेंगे। तो अगर नेक्स्ट की अवेलेबल है तो हमें नेक्स्ट की पे जाके कंपेयर करना है कि जो करंट की है वो हमारा सर्च की के साथ इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो सर्च इज सक्सेसफुल, अगर इक्वल नहीं है तो हमें फिर से स्टेप नंबर थ्री से लेके स्टार्ट करना है। तो फिर से मुझे कंपेयर करना है और स्मॉलर है ग्रेटर मैच करना है, अगर इक्वल है तो सर्च इज सक्सेसफुल, अगर इक्वल नहीं है तो फिर से देखना है स्मॉलर है ग्रेटर है एंड सो ऑन। ये हमें कब तक करना है, जब तक हमारा एग्जैक्ट मैच नहीं हो जाता तब तक। नहीं तो अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है और हम पूरा ट्री कंपैरिजन करके लास्ट की वैल्यू ऑफ द लास्ट लीफ नोड पे अगर है तो हमें यहाँ पे स्टॉप होना है और हमें बोलना है कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है और हमें यहाँ पे एग्जिट होना है। तो अगर ये सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ तो ये हो गया मेरा सर्च ऑपरेशन ऑन बी ट्री, करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक इनबिल्ट बी ट्री अवेलेबल है जो कि ऑर्डर सिक्स का है। ये बी ट्री ऑर्डर सिक्स का है, इसका मतलब मैक्सिमम सिक्स चिल्ड्रन इसके हो सकते हैं, पर इस एग्जाम्पल में मैक्सिमम थ्री चिल्ड्रन अवेलेबल है, सिक्स भी इसको हो सकते हैं। करेंटली अभी ये जो लेवल है, हाइट है इस ट्री का, जिसमें ये सिक्स चिल्ड्रन ही, सॉरी अब तक तो थ्री चिल्ड्रन मैक्सिमम अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर मुझे सर्च की
14 सर्च करना है हमारी ट्री में। तो मैं तो रूट नोड से स्टार्ट करूंगी, 16 को 14 के साथ कंपेयर करूंगी, 14 इज लेस देन 16, इसका मतलब है कि ये बाइनरी ट्री के बी ट्री के लेफ्ट सब चाइल्ड में, सब ट्री में अवेलेबल हो सकता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल कीज अवेलेबल है, तो मुझे सबसे पहले वाले की के साथ कंपैरिजन स्टार्ट करना है, 3 और 14 में कंपेयर करूंगी। तो 3 लेस है 14 ग्रेटर है, इसका मतलब नेक्स्ट वाली की अवेलेबल हो सकती है जो कि 14 के इक्वल है। तो 7 हम कंपेयर करेंगे 14 से, इक्वल ये भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट की वैल्यू को जाएंगे जो कि है 13। 13 के साथ अभी मैं कंपेयर करूंगी, 13 के साथ कंपेयर करके भी इक्वल नहीं है तो फिर से मुझे देखना है लार्जर या स्मॉलर। तो ये लार्जर है, लार्जर अगर है तो मैं इसके नेक्स्ट चाइल्ड को जाऊंगी और उसके फर्स्ट की से मैं ये मेरा सर्च की वैल्यू कंपेयर करूंगी। ये दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा सर्च सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैं अगला वाला एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ जिसपे मैं 18 सर्च करने वाली हूँ। अभी फिर से 18 सर्च की वैल्यू मेरे रूट की से मैंने कंपेयर किया, इक्वल तो नहीं है तो स्मॉलर है या लार्जर है, तो स्मॉलर भी नहीं है इसका मतलब मुझे लेफ्ट सब ट्री में नहीं जाना है, मुझे ग्रेटर है इसका मतलब मुझे राइट सब ट्री में जाना है। अभी इस राइट सब ट्री में ये हो गया मेरा रूट नोड, करंट सब ट्री का रूट नोड, उसका फर्स्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे चेक करूंगी 20। तो 20 एंड 18 में कंपेयर करूंगी, कंपेयर करने के बाद सबसे पहले आर दे इक्वल, इक्वल तो नहीं है तो स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर है, स्मॉलर है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जाके मैं अभी ये मेरा हो गया करंट रूट नोड, उसके फर्स्ट वैल्यू के साथ मैं कंपेयर करूंगी। तो मैं 17 के साथ कंपेयर करके आर दे इक्वल, ये भी इक्वल नहीं है तो अभी नेक्स्ट की वैल्यू अवेलेबल है मेरी नोड में, तो मैं नेक्स्ट की वैल्यू 18 के साथ कंपेयर करूंगी, आर दे इक्वल, हाँ दे आर इक्वल, इट मीन्स दैट माई सर्च इज सक्सेसफुल एंड आई नीड टू एग्जिट। अभी अगला वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसपे मुझे सर्च की 8 सर्च करना है। फिर से रूट नोड से हम स्टार्ट करेंगे, 16 8 से कंपेयर करेंगे, 8 तो छोटा है 16 से, इक्वल तो नहीं है, छोटा है, छोटा है मतलब लेफ्ट सब ट्री में हो जाएगा। अभी ये हो गया आपका करंट रूट नोड जिसके फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट की वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगी 8, 8 3 से बड़ा है तो वो अगला वाला की वैल्यू प्रेजेंट है क्या नहीं हम चेक करेंगे, वो प्रेजेंट है। तो 7 के साथ अभी हम कंपेयर करेंगे, इससे भी हमारा नंबर 8 बड़ा है तो ये करेगा अभी कंपेयर 13 के साथ, नेक्स्ट की वैल्यू के साथ। 13 के साथ अगर वो कंपेयर करेंगे तो 13 से 8 हो गया छोटा, तो उसका 13 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उस पे हम जाएंगे, क्योंकि 7 से तो बड़ा था बट 13 से छोटा है तो शायद 13 के लेफ्ट चाइल्ड में वो अवेलेबल हो सकता है। तो 13 के लेफ्ट चाइल्ड का फर्स्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी, ये हो गया 10। अभी आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मेरा फर्स्ट वैल्यू ही सर्च की से बड़ा है इसका मतलब अगले वाले सभी एलिमेंट उससे बड़े हैं, क्योंकि हर एक नोड में हर एक ऑल द एलिमेंट्स जो होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होते हैं, ये प्रॉपर्टी है बी ट्री का। अगर आपको बी ट्री की प्रॉपर्टीज पता नहीं है तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए और उसमें प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन देखिए और जान लीजिए कि हर एक नोड के जितने नंबर ऑफ कीज होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो अगर मुझे 8 यहाँ पे सर्च करना है और 8 मेरे 10 से लेस है तो मुझे 10 के लेफ्ट चाइल्ड में जाना होगा, बट 10 का लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, इसका मतलब कि मुझे आगे जाके नंबर तो मिलने नहीं वाला है, 10 का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल है और यहाँ पे मेरा डेटा अवेलेबल नहीं है और मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, आपको सारी चीजें पता चल गई है, समझ में आ गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट देना ना भूलिए, मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो सीरीज का अगला वीडियो भी
शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।